अंबाला में करीब एक साल पूर्व युवक की चाकू से गोदकर हत्या के मामले में गवाही देने वाली एक बुजुर्ग मां को जान से मारने की धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है, जिसमें एक असहाय मां द्वारा अंबाला की सेंट्रल जेल में बंद हत्यारों द्वारा फोन पर धमकी देने का आरोप लगाया गया है। वहीं मां ने बताया कि पुलिस भी इस मामले में कार्यवाही करने में टाल मटोल कर रही है। अब वह अपने इकलौते मृतक बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। बता दें कि आरोपियों पर नशा बेचने से मना करने पर हत्या का आरोप लगा हुआ है। वहीं अपने इकलौते बेटे की फोटो हाथ में लिए बैठी उषा उस समय को कोस रही है जब बुलाने पर उसके जिगर का टुकड़ा आरोपियों से मिलने टांगरी बंधे गया था। घटना को याद करके मां उषा के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। उसके इकलौते बेटे के द्वारा आरोपियों को नशा बेचने से मना करने के बाद बदमाशों ने चाकू से गोदकर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। वहीं मां का आरोप है कि एक साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी उन्हें इंसाफ नहीं मिल पा रहा, बल्कि जहां भी न्याय मांगने जाती है उसे टाल दिया जाता है। इस मां का कहना है कि टांगरी बंधे पर नशा बेचने वाला अर्जुन उर्फ कटोरा हालांकि जेल में बंद है, लेकिन वो अंदर से फोन करके उन्हें गवाही ना देने की धमकी दे रहा है। उषा का कहना है कि आरोपी कह रहे हैं कि जो भी उसके खिलाफ गवाही देगा उसे भी वो बंटी के पास, जो मृतक उनका बेटा है, उनके पास भेज देगा। उनका कहना है कि पुलिस भी उसकी नहीं सुन रही और उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वह वकीलों का भुगतान कर सके। उसके पास खाने के भी पैसे नहीं है, बल्कि मोहल्ले वाले उसे खाने इत्यादि का सामान देते हैं जिससे वह अपना गुजर बसर कर रही है। कई बार देर रात आरोपियों के साथ ही उसका दरवाजा खटखटाते हैं तो वह सहम जाती है और इसके लिए उसने जिला प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। बता दें कि बंटी हत्याकांड को 1 साल 2 महीने बीत चुके हैं, मगर उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक बंटी 4 बहनों का इकलौता भाई था जिसकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। अब इस हत्याकांड के आरोपी हालांकि अंबाला की सेंट्रल जेल में बंद है और मृतक की मां उन पर जेल से फोन पर गवाही ना देने का आरोप लगा रही है। इस पर जब महेश नगर थाना SHO अजेब सिंह से बात की गई तो उनका कहना है कि हमारे पास तो लोकल दरखास्त आती है और एक दरखास्त आई थी, उस पर नियम अनुसार कार्यवाही कर दी गई है। वहीं जेल से धमकी के बारे में पूछने पर SHO का कहना है कि ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। टांगरी बंधे पर हुए इस निर्मम हत्याकांड में मृतक की मां जेल से धमकी मिलने के आरोप लगा रही है, जिसे पुलिस अधिकारी नकार रहे हैं। अब देखना होगा कि मृतक की मां सच बोल रही है या पुलिस आरोप पर पर्दा डाल रही है। उषा जी, मेरा बेटा तो घर पे आया था, घर से आया चाय पीने जा रहा था, बस घर से बुला के ले गए उसको। आज 1 साल 2 महीने हो गए, कहीं इंसाफ नहीं मेरे को मिल रहा। जहाँ जाती हूँ वही कहते हैं कि जाओ जाओ आगे जाओ, आप आगे जाओ। आगे में जाओ तो किसके पास जाऊँ? जिसको भी साथ लेके जाती वो उसी को धमकी देते हैं। एक बंदे ने भी जमानत देनी है, लड़के ने, ये पगल में ही है, उसका लेके मैं गई, उसको धमकी देगी। एक तो अभी गया ही गया है, जो तू गवाही देगा तो तू भी ऐसे ही जाएगा 2-4 साल के बाद। ये कटोरे के लोग हैं, कटोरा अंदर जेल में से फ़ोन करा रहा हुआ बैठ के कि जो गवाही देने जाएगा उसको ऐसे साफ करते रहना, रास्ते में एक तो मार दिया, 2-3 गवाही देने जाएंगे उनको भी मार दो। पुलिस में शिकायत करी, अप्लीकेशन लिखा के दे के आई, कटोरा उसको रजत को कर भी लिया, फिर उसको जमानत पे छोड़ दिया बाहर भी। कल भी मैं गई थाने में, कह रहे क्या करोगे जाके, कोर्ट कचहरी लड़ो, कुछ भी होएगा वहाँ, थाना पुलिस होएगी, लड़ाई दंगा होएगा, कुछ फायदा नहीं तुम्हारा। कोई सिक्योरिटी दी आपको पुलिस? कुछ नहीं दी सर, मैं तो कल्ली रात को घर में रहती हूँ, बाहर लोग आके गेट खड़काते हैं, किसको उठाने जाऊँ रात को 12 बजे, घर में कल्ली रहती हूँ। पड़ोसी आते हैं, खाना इधर उधर से कोई दे के जाता है, कोई चाय पानी दे के जाता है, कोई कहीं इंसाफ नहीं मेरे को मिल रहा सर। मेरे को इंसाफ चाहिए मेरे बेटे के बारे में, और कहीं ना मेरे से पैसा ना, कुछ लोग जहाँ जाती हूँ पहले पैसे मांगते, मैं खाने को तो मेरे को मिल रहा, पैसे कहाँ से दूंगे सर। थाने में जाती हूँ वहाँ कहेंगे आगे जाओ, आगे जाओ वहाँ वकील के पास, वो पैसे मांगते हैं, ना तो मेरे पे वकीलों जोगे पैसा, ना घर में खाने को है, तो मैं जाऊँ कहाँ से? दवाई को भी पैसा नहीं है, लड़के आते हैं इनसे मांग मांग के तो मैं दवाई मंगाती हूँ। ये गिर गई, पैर में फ्रैक्चर आ गया, 2-3 बार मेरे से चला नहीं जाता है। कितने बेटे थे? एक ही बेटा, 4 बेटी थी सर, मेरा छोटा ये बेटा था मेरा।
हमारे पास थ्रेटनिंग का नहीं, हमारे पास तो लोकल दरखास्तें आती हैं। एक लोकल दरखास्त आई थी अभी से की, और जो उसकी दरखास्त आई उस पर हमें नियमानुसार कार्रवाई कर दी। कह रहे हैं कि उनको जेल से ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।